इस बार अगर इनको जिता दिए तो ये वन नेशन वन पार्टी वाली बात हो जाएगी, एकाधिकार हो जाएगा, इनकी मोनोपोली चलेगी, कभी भी चुनाव नहीं होंगे। समय हिटलर का भी आया था तो इनका भी समय आएगा, और जिस दिन समय आएगा उस दिन देखिएगा इनके साथ क्या होगा। आम आदमी पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और ये आजादी का दूसरा लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। मणिपुर को जाके देखिए, वहाँ क्या कर रहा है बीजेपी, बहू बेटी को नंगा कर रहा है। कहाँ गया बीजेपी, कहाँ गया चौथी पास राजा। लोकतंत्र की हत्या की गई है, हमारे जो अधिकार है, हमारे जो मौलिक अधिकार है, उसका हनन हुआ है। ये लोकतंत्र की सरासर हत्या है। और ये जो अभी वर्तमान में मोदी जी हैं, बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं, ये सरेआम गुंडागिर्दी कर रहे हैं, ये सरेआम तानाशाही कर रहे हैं। अंदर किया तो आपके बच्चों को भी ये कभी भी अंदर कर सकता है। आप लोग समझिए, ये बहुत ही मार्मिक और बहुत ही दुखदायी और बहुत ही लोकतंत्र की हत्या करने वाली घटना है। आप लोग जागिए, आप लोग नहीं जागेंगे तो ये आप लोगों को भी उठा के इसी तरह अंदर करेंगे। आप लोग एकजुट हो जाइए, अभी ये चुनाव आपके सर पे पड़े हैं। अगर आप इस बार इनको जिता दिए तो ये वन नेशन वन पार्टी वाली बात हो जाएगी, एकाधिकार हो जाएगा, इनकी मोनोपोली चलेगी, कभी भी चुनाव नहीं होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेट पोस्टिंग, मैं हूँ प्रेम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के सबसे भीड़ भाड़ एवं व्यस्त माने जाने वाले जमशेदपुर के आर्थिक राजधानी माने जाने वाले इलाके साथी। आपको बता दो, बीते गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिए जाने का विरोध पूरे देश में चला और इस कदर जमशेदपुर में भी यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जुटे हैं साक्षी के चक्कर में। जहाँ एक तरफ उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से प्रतिक्रिया सामने आती है, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा सकती है दिल्ली में, और वहीं पवन खेड़ा जी कांग्रेस का कहना है कि ये जो लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जहाँ एक तरफ राहुल गांधी के द्वारा भी कहा गया है कि कांग्रेस के खाते जो हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं और 50 दिनों के अंदर ये दूसरी कार्रवाई। आपको बता दूं, सीएम हेमंत सोरेन को भी पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो चलिए बिना देर के बातचीत करते हैं इनसे और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनके आगे की रणनीति क्या है। रणनीति तो फिलहाल हमारी यही है कि हम वर्तमान सरकार के खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार क्या चाहती है, बीजेपी सरकार क्या चाहती है। जब उन्हें सब पार्टियों, विपक्षी पार्टियों को ख़त्म ही कर देना है तो उनको इलेक्शन कराने के क्या मतलब था। इलेक्शन ही नहीं कराते, अपना तानाशाह घोषित कर देते हैं। एक एक करके जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं जो उभर के आ रही है, जो सामने आ रही है, जो उनके बातों उनकी नाकामियों को सामने रख रही है, उनकी गलतियों को सामने रख रही है, उसको या तो जेल में बंद कर दिया जा रहा है, और अगर पार्टी डर के उनमें शामिल हो जाती है तो उनके सारे जेल एलिगेशन हटा दिए जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार चाहती क्या है। पूरा विपक्ष जब खत्म ही हो जाएगा तो अकेले शासन करना चाहती है, तानाशाह बनना चाहती है, क्या चाहती है भारत में, उनका क्या करना चाहती है। समय हर किसी का आता है, समय सिकंदर का भी आया था, समय हिटलर का भी आया था, तो इनका भी समय आएगा, और जिस दिन समय आएगा उस दिन देखिएगा इनके साथ क्या होगा। आंदोलन, आम आदमी पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और ये आजादी का दूसरा लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जो है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सारे नेता जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सबका उजागर होगा। एक दिन उनको, जो सारे विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि धराशायी होगा और सब दूध का दूध और पानी का पानी अलग। देखिए, केजरीवाल का गिरफ्तारी तो बिल्कुल ना, एकदम बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ऐसा एक पढ़ा लिखा इंसान को अंदर कर देने से ये ना सोचे कि केजरीवाल एक अंदर चला गया तो यहाँ पे 100 केजरीवाल पैदा हो जाएगा। हम लोग हर एक इंसान केजरीवाल है, केजरीवाल को का शरीर को जेल के अंदर दिया गया है, ना कि केजरीवाल के विचार को। हम लोग हर एक इंसान केजरीवाल है, और केजरीवाल का कितना के बारे में ये चौथी पास राजा क्या कर लेगा। बीजेपी का इंसान कहाँ गया है? बीटेक इंजीनियर किया हुआ लड़का लोग को सबको बैठा दिया है, मजबूर कर दिया 8,000, 9,000, 10,000 में नौकरी करने के लिए। उस पे भी उन लोग को भिखारी के तरह यूज कर रहा है। ये हमारे राजा का काम है? आज कितने युवक हैं जो बेरोजगार है, कितनी लड़कियां हैं जो बिना शादी नहीं होता दहेज के चलते, कितनी लोग नौकरी कर रही है। मणिपुर को जाके देखिए, वहाँ क्या कर रहा है बीजेपी, बहू बेटी को नंगा कर रहा है। कहाँ गया बीजेपी, कहाँ गया चौथी पास राजा? आप केजरीवाल पे उंगली उठा रहे हो।